प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मुमुक्षु मैत्रम भाई एवं मुमुक्षु उदिति बहन से हमारा ये वार्तालाप जारी है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि संसार में रह के भी धर्म कर सकते हैं, यहाँ पे रह के भी धर्म आराधना हो सकती है, तो फिर दीक्षा क्यों लेनी। इन दोनों भाई बहनों से हम जानेंगे कि किस तरह से उन्हें ऐसा सही लगा कि दीक्षा ही लेनी चाहिए, क्यों दीक्षा जीवन ही अंगीकार करना चाहिए। उनके जीवन के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दीक्षा क्यों जरूरी है, संसार में रह के भी धर्म कर सकते हैं, यहाँ रह के भी बहुत सारे लोग धर्म करते ही है। तो आपके माइंड में ऐसा क्या रहता है, मुमुक्षु को ऐसा क्या लगता है कि क्यों संसार में रह के धर्म नहीं कर सकते? और सच में आज इतनी सारी दीक्षाएं हो रही है, तो बहुत सारे लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं संसार में रह के या रह के फैमिली के साथ रह के संसार भी एक साइड से आगे बढ़े और धर्म भी होते जाए? तो आपको इस पे क्या लगता है, वो आपसे जानना। राहुल भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, घर में रहकर भी पढ़ाई हो सकती है, फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं। घर में रहकर भी बिजनेस हो सकता है, फिर भी सब ऑफिस जाते हैं। घर में रहकर भी पिक्चर देख सकते हैं, फिर भी थिएटर जाते हैं। घर में रह के भी स्टेडियम के मैचेस, वहाँ चल रहे मैचेस हम यहाँ देख सकते हैं, फिर भी स्टेडियम में हजारों की संख्या होती है। तो सिर्फ ये प्रक्रिया में ही क्यों, जहाँ भी जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना हो, जिस फील्ड में भी हमें सक्सेस चाहिए होगी, वहाँ उसके अनुरूप वातावरण भी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कॉन्सर्ट में मेडिटेशन हो सकता है? क्या होटल में अम्बिल हो सकता है? मुश्किल है, नहीं हो सकता। क्या मतलब कीचड़ में से सुगंध आ सकती है? नहीं आई। हाँ, तो इसके लिए अनुरूप वातावरण भी होना चाहिए। यहाँ रह के हम जो थोड़ा बहुत पूजा सेवा सामयिक करके धर्म कर, जो हम धर्म मानते हैं जी, कर भी सकते हैं, वो करेंगे हम। लेकिन संपूर्ण पाप का त्याग, मतलब जो वृत्ति धर्म है, सर्ववृत्ति धर्म है, वो यहाँ रह के इम्पॉसिबल ही है जी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने पूछा कि इतने सारे लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो फिर हम भी क्यों? इतने सारे लोग आत्मकल्याण के मार्ग पे हैं, वो अपनी आत्मकल्याण करके सक्सेस पा सकते हैं, तो हम क्यों निष्फल हुए जी? इसलिए मैं तो यही बताना चाहूँगा कि संसार में रह के धर्म कर सकते हैं, लेकिन संसार में रह के सर्व पाप का त्याग तो नहीं हो सकता है। जनरली जब दीक्षा के भाव दीक्षार्थी को हो जाते हैं, और उसके बाद सबसे स्ट्रगल वाला पॉइंट आता है कि माता पिता को मनाना, उनके परिवार वालों को मनाना, मेरे को लगता है आपके लिए भी सहज नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि दोनों को दीक्षा लेनी है। एक जा रहा हो तो ऐसा रहता है कि दूसरा तो है, लेकिन आप दोनों को साथ में दीक्षा के भाव हुए और साथ में दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, तो कैसे अपने माता पिता को मनाया, कैसे परिवार वालों को मनाया, और किस तरह ये स्ट्रगल, मतलब जब आपको उनको मनाना था और कैसे उन्होंने कैसे आज्ञा प्रदान की, तो वो एक बातें आपसे जाननी थी। सबसे पहले बताना चाहूँ तो मम्मी को ही ऐसी इच्छा थी कि मैं एज ए उनकी बेटी दीक्षा ले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे किसी दूसरे के घर जाऊँ, मतलब मैरिज करूँ ये सब। तब मुझे कोई दीक्षा के भाव नहीं थे, मम्मी ने साहिब जी को बोला था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे ऐसे दीक्षा ले, ऐसे ही बोला था मम्मी ने, पर तब हमें कुछ नहीं था। फिर जब मुझे भाव हुए, तब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे 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 है और मुझे जाना है। तो मम्मी को थोड़ा ऐसा लगता है ना, वीरा का दुख है, तो ऐसा थोड़ा था। तो मम्मी ने बोला कि पहले तू ये 12th कंप्लीट कर ले, अगर पढ़ाई पूरा छोड़ देगी तो फिर वहाँ जाके अगर मुझे फाया नहीं तो मैं क्या करूँ ऐसा। तो वो चाहती थी कि एक डिग्री हो, प्लान बी जैसा जी। तो फिर उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर ले, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं मम्मी को धीरे धीरे मना भी रही थी कि मम्मी प्लीज़ जाने दो, एक बार ट्राई करने दो, अगर नहीं पसंद है तो आप फिर जो बोलोगे वो मैं करूँगी। और पापा का ऐसा था कि पापा मम्मी की साइड भी नहीं थे और मेरी साइड, वो कभी मना नहीं करते थे पर हाँ भी नहीं बोल रहे थे। पर उनका एक उपकार ये है कि मैंने जब 12th के बाद बोला कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है, अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो मेरे भाव मतलब वहाँ पे टर्न हो जाएंगे, तो मम्मी पापा ने किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया कि कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। मैं ऐसे ही घर पे थी, मतलब माँ साहब के पास नहीं जा रही थी पर थी घर पे। तो ऐसे फिर धीरे धीरे उन्होंने, उनको भी समझ में आया कि नहीं एक बार ट्राई करने भेजते, तो फिर उन्होंने बोला कि जा ट्राई करना है, तो एक बार जाके रह गया। जैसे उन्होंने बताया, उनकी तो 5 साल की स्ट्रगल रही थी, और मम्मी पापा को कहीं ना कहीं पता ही था कि एक ना एक दिन या तो लड़की ससुराल जाने वाली है या तो ये मार्ग पे आएगी, पर कठिन मेरे लिए था। तो जब मैंने घर पे बात की तो मम्मी पापा के साथ मेरे से और करीब मेरे दादी है, इसलिए उनको बात की थी, तो उन्होंने सहज रजा दे दी कि उनको कई सालों पहले ऐसा सपना भी था कि हमारे घर के दोनों लड़के दीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने तो सहज रजा दे ली। लेकिन मेरी माँ, मतलब मातृप्रेम सहज है, उनको होगा ही, ममता होगी, इसलिए सहज सहज उन्होंने भी जाना।
उन्होंने भी मतलब देखा, पहले इतने करीब परिचय से धर्म से नहीं थे, उन्होंने भी देखा कि नहीं सच्ची लाइफ तो यही है, संसार में रह के उनको भी दुख है। मतलब आप किसी को भी पूछोगे अभी कि संसार में इफ यू आर हैप्पी देन 99.99% ऐसा ही आएगा, वो बोल नहीं पा रहे, वो उनकी मजबूरी है, लेकिन ऐसा ही आएगा नहीं कि ये दे आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी। इसलिए मम्मी ने भी बोला कि नहीं ये असली मार्ग है, पर मैं क्या करूं, मैं एक साथ दोनों को नहीं छोड़ पा रही हूँ। इसलिए धीरे धीरे उनको मैं मनाता गया, 1.5 साल में मनाता गया, और आखिर में उन्होंने भी देखा, आज का कल्चर भी साथ में उनको दिखता गया कि आज के हमारे नौजवान लड़के बहुत खराब आदतों से गुजर रहते हैं, इससे अच्छा तो हमारा लड़का शासन में जा रहा है। तो उनके भी ऐसे भाव हो गए कि हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो उत्कृष्ट फल चढ़ाते हैं, तो मैं तो एक साथ दो दो उत्कृष्ट फल चढ़ा रही हूँ, इसलिए उनके भी भाव हो गए और पापा ने भी सहज रजा दे दी। आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बड़े हो, ये छोटे 18 साल से एक दूसरे को जानते हो जब से इनका जन्म हुआ, तो कोई ना कोई ऐसे बातें, बचपन में तो ऐसे दीक्षा वगैरह की बातें नहीं रहेगी, लेकिन कोई ना कोई एक गुण ऐसा रहेगा जो एक दूसरे में देखा हो, जो जनरली एक दूसरे को इंस्पायर करता हो, कहीं पे कोई पीछे हो रहा है तो दूसरे को देख के आगे बढ़ता है। तो आप एज अ बड़े हो तो उनसे क्या एक देखते हो और आप उनमें क्या देखते हो, ऐसे कोई पर्टिकुलर गुण, कोई विशेषता जो एक दूसरे के बारे में, तो आप दूसरे के एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से जानना है। ऐसे तो भैया मुझसे छोटे है 4 साल, पर हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है कि ये मेरे बड़े भाई, मतलब जो इंस्पायर मुझे इसमें से करता है ना वो है इसका मैच्योरिटी। मतलब छोटी एज में भी इतना, मतलब मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे कोई 25-26 साल बड़ा भाई है जो मुझे मतलब सब कुछ सब चीज़ में डायरेक्ट करता है, हेल्प करता है। वैसे बेस्ट ब्रदर सिस्टर बेस्ट फ्रेंड सपोर्टर तो होते ही है, पर और इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। दीक्षा की भी जब पहली बार मेरी बात आई थी तो इसने मम्मी पापा और पूरे मतलब सबके सामने मुझे सपोर्ट ही किया है। तो बस ये जो मैच्योरिटी है ना वो मुझे बता रहा, और इससे मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि दीक्षा में, दीक्षा का जो स्टेज है, जो रजरण है, वो हम दोनों एक साथ एक ही स्टेज पे एक ही गुरु भगवान के हाथ से लेने जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड और खुशी की बात है। ऐसा बोलते हैं ना कि बड़ी बहन माँ की जगह होती है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब अवसर है कि बहन भी, बहन की तरह से भी और माँ की तरह से भी, ऐसा कि मेरे मेरे भाई को ऐसा मेरे से पहले भी रजोरण मिलेगा। जी, भाई बहन का पहले से ही संबंध ऐसा है, सबसे ज्यादा लड़ते हैं पर सबसे ज्यादा प्रेम भी उनको ही होता है। मतलब बोले ना, दिस इज अवर फॉरएवर लाइफ, मतलब हम दोनों ने एक के साथ फॉरएवर का टैग दे ही दिया है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। मैं सच बताऊं ना तो मैं ऐसा लेजी बहुत हूं, मतलब कुछ भी इतनी छोटा हूँ ना इसलिए जिम्मेदारियाँ बहुत कम रखता हूँ। तो ये मेरी बहन है ना मिस्टर परफेक्ट है, तो हर बात में वो मेरे को इंस्पायर करती है कि ये काम सही से होना चाहिए, ये समय पर होना चाहिए, ये अच्छे से होना चाहिए। तो मेरे, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा मिस्टर परफेक्ट बनूँ। जैसे आप दोनों से पता चला कि आप दोनों को पढ़ाई का बहुत सारा शौक था, आपने अच्छे खासे परसेंटेज भी पाए थे, तो ऐसा नहीं लगता कि आप डिग्री लेके कुछ ना कुछ बन के अगर आप दीक्षा लेते तो दीक्षा के बाद भी वो पढ़ा हुआ कहीं जाता नहीं है, काम तो आने वाला ही है। प्लस खुद को भी ऐसा फील होता है कि ओ मैंने सीए किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं अच्छी खासी पोस्ट पे थी और उसके बाद दीक्षा लेने जा रही हूँ। तो क्या आपको लगता है कि पढ़ाई के बाद दीक्षा लेना, एक अच्छी पोस्ट पे जाने के बाद अच्छी डिग्री के बाद दीक्षा लेना ज़्यादा बेटर नहीं था आपके लिए? भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर साइंस का कोई स्टूडेंट हो तो उसको कॉमर्स की डिग्री लेनी चाहिए? नहीं। अगर कोई सीए कर रहा हो तो क्या उसको एमबीबीएस बनना जरूरी है? नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सांप को संग्रह करें तो ऐसा सोचेंगे ना कि कभी ना कभी वो भी हमें काम लग सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना जी। तो ऐसा जरूरी है कि हर पॉसिबिलिटी वाली चीज को हम संग्रह करें? ये तो हमारी मूर्खता होगी। साधना का जो मार्ग है ना वो ईगो तोड़ने का मार्ग है। तो अगर वहां पे मुझे, मेरे पास डिग्री होगी और मुझे ऐसा होगा कि हम पढ़ के आए हैं, तो ये तो ईगो पोषित भाव है जो मुझ में ईगो दिखाएगा, तो वहाँ पे मेरी साधना अच्छे से नहीं होगी। अगर मुझे सही से साधना करनी है तो मुझे ये भाव नहीं चाहिए वहाँ पे। और मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से मिला है, उस पर भी दीक्षा लेने का है। तो जब पता चली गया है सही समय पर कि ये पढ़ाई मतलब नहीं ईगो पोषिक है, हमें ईगो डेवलप करती है, तो उससे अच्छा तो कि हम वहाँ पे जाके सम्यक ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है, वो लेके आराधना करके आगे बढ़े जीवन में। जी, आप दोनों से जाना था कि हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उम्मीद होती है, कुछ ना कुछ कहीं पे अपने आप को देखना चाहते हो,
दीक्षा जीवन के बाद एक अच्छे साधु साध्वी जी भगवान जैसे आप खुद को किस तरह देखना चाहते हो? 8-10 साल बाद मैं इस तरह का साधु बनूँ या इस तरह की साध्वी बनूँ, इस तरह का जीवन जीना चाहती हूँ, तो आपसे जानना था कि किस तरह के अरमान लेके आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, वो एक आपसे जानना। जिनशासन में अब तक इतने सारे महापुरुष हो गए ना कि लगता है कि हम भी वही बने, मतलब हमारी उम्मीद ऐसी है कि दीक्षा के बाद हम भी कोई ना कोई महापुरुषों के वो बन तो नहीं पाने इस वो तो बन नहीं पा सकते इस काल में, लेकिन उनके कोई गुण ऐसे हो कि हमारे में सब गुण आ जाए और हमारे माता पिता, समाज, दादी, परिवार, कुटुंब सबकी उम्मीदें, सबको छोड़कर हम जा रहे तो सबकी भी एक ऐसी आशा होती है कि हमारे महात्मा अच्छे महात्मा बने, मतलब हमारे महात्मा उनकी गुरु की सेवा करे, उनके गुरु की व्यावज करे, उनके गुरु की आज्ञा पालन करे। इसलिए 8 साल हो, 10 साल हो या पूरी संयम पर्याय हो, हमारी इतनी इच्छा है कि पूरे लास्ट दिन तक हम अपने गुरु की आज्ञा के पालन में रहे। हमारी खुद से यही उम्मीद है कि रजोरण जो हमें इतने अमूल्य है, जो जिसकी कोई कीमत नहीं है, इतने मनुष्य भव के बाद, इतने निगोद, फिर एक इंद्रिय बे इंद्रिय सब करने के बाद जो रजोरण में मिल रहा है, उसकी जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, वो मैं और हम दोनों रख सके। मतलब ऐसा दीक्षा लेने के बाद हम जो जिस वजह से हम दीक्षा ले रहे कि पाप से दूर होना और व्यावच करना, गुरु की आज्ञा में रहना, वो सब हम कर सके। और मेन तो यही है कि रजोरण जो ले रहे उसकी वैल्यू, इम्पोर्टेंस जो है, वो एस्टीम उसकी वही ऐसे रख सके। जी मित्रम भाई और उदिति बहन, आप दोनों ने हमें ये मौका दिया आपकी बातों को जानने के लिए, आपके भावों को जानने के लिए, तो जैन फाउंडेशन की ओर से मैं आप दोनों का खूब खूब धन्यवाद, आभार मानता हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आज के यंगस्टर्स को, आप इतनी छोटी एज में, लाइक 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, जहाँ पे आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज के यंगस्टर्स के लिए कुछ भी कहना चाहो तो आप कह सकते हो। धन्यवाद आपका भी कि हमें भी ऐसा मौका मिला कि दीक्षा जीवन से पहले ही कुछ ऐसा हमारा हो सके कि हमारे से कोई उम्मीद, हमारे से कोई इंस्पायर हो सकते। ऐसी जैन फाउंडेशन को मैं खूब खूब आभार प्रकट करता हूँ और इसका ऋण कब चुकाऊंगा ये मेरे को नहीं पता है। जी लोगों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल लोग देरासर जाते हैं लेकिन उपाश्रय नहीं जाते। आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर संसार लाइफ में भी सक्सेस चाहिए ना, तो धर्म के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए आप थोड़ा करो, संयम में तो सक्सेस है ही, लेकिन संसार में भी सक्सेस होना हो ना, तो धर्म के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा जुड़ो धर्म से और थोड़ा जुड़ो, उनको जानो और आप जुड़ते ही जाओगे। फिर एक बार आपको सक्सेस मिल गई, फिर आपको बताना नहीं चाहूँगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि धर्म करो या ये करो, आप सहज भाव से सब जो प्रभु की आज्ञा है वो आप करने लगो। बस और मेरा सबको यही कहना है कि हमारी जो हमारे परिवार, मतलब हमारे मम्मी पापा और उनकी जो जनरेशन है ना, वो सब ऐसे ही करते धर्म, मतलब पूजा करते, सामयिक करते, प्रतिक्रमण करते, तो उनको कारण नहीं पता होता है। कुछ लोगों को प्रतिक्रमण क्यों करना है, बस ऐसे सब करते हैं तो करना है। तो बस मुझे यही कहना है कि आप कोई भी चीज़ करो, धर्म की हो या कुछ भी, उसमें प्रैक्टिकलिटी और कारण जानो। महात्माओं के पास आप जाओ और उनको पूछो कि साहिब जी सामे क्यों करनी है, हमें पूजा क्यों करनी है, हमें प्रतिक्रमण क्यों करना है, रात्रि भजन त्याग क्यों करना है। अगर कारण जान लोगे ना, तो आपको फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप सामे करो। कारण आपको पता होगा ना, तो आपको सहज ही ऐसे आ जाएगा कि नहीं ये करना है। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो बस आप कोई भी कारण जानकर, कहते हैं ना कारण बिना कार्य न थे, तो आप कारण जान के ही सब कार्य करना। द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड के माध्यम से इस तरह अनेक मुमुक्षुओं के साथ हमारा ये वार्तालाप आगे भी जारी रहेगा। आगे अनेक मुमुक्षुओं के जीवन के बारे में, उनके वैराग्य के भावों के बारे में जानने के लिए बने रहे द जैन फाउंडेशन चैनल के साथ। आगे आने वाले अपडेट्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। प्रणाम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि टुकड़म।